असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है। 19 जिलों के लगभग 4,89,000 लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में नलबाड़ी जिले में बाढ़ के पानी से डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। असम में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 2 हो गई है। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। असम में बाढ़ से करीब 5,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार अकेले बजाली जिले में लगभग 2.67 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद नलबाड़ी में 80,061 लोग, बारपेड़ा में 73,233 लोग, लखीमपुर में 22,577 लोग, दरांग में 14,583 लोग, तुमुलपुर में 14,180 लोग प्रभावित हुए हैं, बक्सा में 7,282 लोग, गोलपारा जिले में 4,750 लोग बाढ़ के पानी से 10,782.80 हेक्टेयर फसल भूमि डूब गई है। 7 जिलों में 83 राहत शिविरों में 14,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि अन्य 79 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। सेना, अर्धसैनिक बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, नागरिक प्रशासन, गैर सरकारी संगठन तथा स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।